वेलकम टू द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल, दिस इज़ प्रदीप। आज की वीडियो हमारी क्या है, आज आप देखेंगे मैथमेटिक्स बेसिक कोड 241। इसका मतलब हमारा एक ब्लूप्रिंट आ चुका है सीबीएसई बोर्ड के थ्रू, जिसमें क्लास टेंथ का बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें ये बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और टोटल वो चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये आपको ब्लूप्रिंट शो कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की होगी। ये बेसिक मैथमेटिक्स की है, स्टैंडर्ड की मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें, यूनिट वाइज भी चैप्टर वाइज भी बताऊंगा मैं। पहला है आपका नंबर सिस्टम यूनिट में, जिसमें आता है चैप्टर कौन सा, रियल नंबर। रियल नंबर टोटल आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, और इसमें से क्या है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आई मीन 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है, और ये देखो आगे वाला जो लिखा हुआ है ये 2, ये आपके नंबर ऑफ मार्क्स हैं, और जो पीछे लिखा हुआ है ब्रैकेट में आप देखेंगे ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद ये आएंगे एमसीक्यू बेसिस में। ठीक है, एमसीक्यू बेसिस मतलब ऑप्शनल बेसिस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले चैप्टर में से कोई नहीं आ रहा है, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। 5 नंबर का भी कोई नहीं आ रहा है, केस स्टडी फर्स्ट चैप्टर से नहीं आ रही है, केस स्टडी भी आएगी इस साल आपको पता है। तो टोटल आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाता है 6 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें एक एमसीक्यू के 2 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है, पहले यूनिट में यही है। आगे बात करें सेकंड आपका आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आप देखेंगे, एलजेब्रा में आपके कितने चैप्टर हैं, पहला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी। ये टोटल आपके एलजेब्रा में 4 चैप्टर आ रहे हैं जो आपके 20 मार्क्स के हैं। ओके, और बात करें पहला, तो देखिए पहला जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यानी कि थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें देखो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई एक आपको अटैम्प्ट करना होगा, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक नंबर का एक हो गया, उसके बाद 2 नंबर का एक हो गया, 3 नंबर का एक हो गया, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी टोटल 6 नंबर का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 3। बात करें फोर्थ चैप्टर की, फोर्थ में 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ, टोटल मिला के 4 नंबर का आपका फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का। मैं चैप्टर बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आप हिंदी मीडियम वाले हैं उसमें भी उसमें देख सकते हैं, सेम चैप्टर होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण। उसके बाद आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये सेकेंड और फोर्थ चैप्टर, ये भी इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा बड़े वाला, टोटल मिला के 6 नंबर का आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेस, 1 का भी नहीं है, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, सीधा 4 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन। अब 4 नंबर का एपी में क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लगा हैश टैग। हैश का टैग का मतलब क्या है, ये आपका केस स्टडी है, यानी कि आपका जो फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी, वो आपका क्या है, फोर मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा एक, वो भी केस स्टडी। ये पूरी आपकी यूनिट हो जाती है 20 क्वेश्चन मार्क्स की, 8 क्वेश्चंस के साथ। फिर आता है आपका ज्योमेट्री, डिलेटेड टॉपिक कौन कौन से हैं, वो डिलेटेड टॉपिक और चैप्टर की भी मैं वीडियो और अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 7 चैप्टर जो है वो आ रहा है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, और 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन, और एक आएगा 4 नंबर की केस स्टडी, इसका मतलब 6 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए टोटल। आगे है ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 8 चैप्टर जो है आपका, उसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेसिस, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, टोटल मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, एक ही क्वेश्चन आएगा जब आपका 9 चैप्टर है केस स्टडी।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ट्रायंगल्स पे, ज्योमेट्री में आते हैं। ट्रायंगल्स में आपके एमसीक्यू के दो क्वेश्चन आएंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मल्टी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार लगा हुआ है। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल्स, वही 5 मार्क्स में आपका थ्योरम आ जाती है, या तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है, इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम आ सकती है, थेल्स वाली आ सकती है, या फिर आपकी सिमिलर। टोटल मिला के 9 मार्क्स का चैप्टर आपका 6, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सर्कल में, एक नंबर एमसीक्यू, दो नंबर का एक क्वेश्चन, तीन नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर आपका सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या है, एमसीक्यू दो क्वेश्चन है और दो नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन मिलेगा, टोटल मिला के आपका भाई 4 नंबर का एरिया रिलेटेड सर्कल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका कौन सा चैप्टर, 13, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, ये आपका 1 मार्क्स का एक आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ऑप्शन के साथ, ये आपका टोटल 6 मार्क्स का दो क्वेश्चन आएंगे, ओके। बात करें स्टैटिस्टिक की, स्टैटिक्स में आप देखेंगे कि आपको कितने का आ रहा है। ये सबसे पहले बात करें एमसीक्यू की, दो क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए। प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम इसका सम करते हैं तो टोटल आपके 38 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका, मैंने कंप्लीट बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का है ये, ठीक है, ये इस तरीके का है और इसी से सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सीबीएसई क्या करेगी, प्रिंट करेगी, और ये सीबीएसई के थ्रू आया हुआ ही है आपका, तो इसको आप नोट कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। जो चैप्टर आपका ज़्यादा वीक है और वो ज़्यादा मार्क्स का है तो उस पर ज़्यादा वर्क करिए, और इन चैप्टरों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड के साथ, अभी के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।